नमस्ते छात्रों, आप सब मजे में है ना। आज के सत्र की शुरुआत एक प्रश्न से करेंगे। इन चित्रों को देखिए। एक चित्र में खाली जमीन दिखाई गई है, दूसरे चित्र में एक इमारत दिखाई गई है। जहां पर इमारत है वहां पर कभी खाली जमीन थी। एक तरफ दो छात्र, एक लड़का और एक लड़की स्कूल जा रहे हैं, दूसरी तरफ दो डॉक्टर, एक पुरुष और एक स्त्री मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक खाली जमीन के टुकड़े पर इमारत कैसे बनी और दो स्कूल जाने वाले छात्र डॉक्टर कैसे बने? धन्यवाद। जमीन पर इमारत बनाने के लिए और पढ़ाई करके डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। कठिन परिश्रम का क्या अर्थ होता है? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। फिर से कहिए, कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। क्या आप अपने स्कूल, घर या पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कठिन परिश्रम से जीवन में कुछ हासिल किया हो? क्या आप सबको बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में सफल कैसे हुआ? अपना अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह पेड़ पर फूल खिलते हैं उसी तरह हमारे मन में भी कई इच्छाएं होती हैं, पर सारे फूल फल नहीं बनते। इसी तरह सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कई फूल फल बनने से पहले ही मुरझा जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, प्रतिभावान होना 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। पसीना कठिन परिश्रम की निशानी है। प्रतिभा को परिभाषित करने के लिए एडिसन ने योग्यता से ज्यादा श्रेय कठिन परिश्रम को दिया है। इसके बारे में एडिसन से ज्यादा कौन जान सकता है? हम सब जानते हैं कि उन्होंने कई चीजों का आविष्कार किया जो कि कठिन परिश्रम के बिना मुमकिन नहीं था। झरना, नदी, नाला, धारा जैसे कई रूप लेकर पानी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही जाता है। रास्ते में उसे कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पौधे, पेड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि। फिर भी वो रुकता नहीं है। इसी तरह हमारे लक्ष्य के बीच भी कई रुकावटें आ सकती हैं। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इन रुकावटों के बारे में जानने की कोशिश करें। प्रेमा की कहानी सुनते हैं। प्रेमा अपने घर में एक छोटा सा बगीचा बनाना चाहती थी, पर उसके पास बीज, मिट्टी, गमले, खाद और बागवानी के औजार नहीं थे। वो जानती थी कि वो ये सब ला सकती है, पर उसने कभी प्रयास नहीं किया। एक दिन उसके पापा ये सारी चीजें ले आए और उसे बगीचा बनाने को कहा, पर कुछ सप्ताह बाद भी उसने बगीचा बनाने का काम शुरू नहीं किया। जब उसके पापा ने बगीचे के बारे में पूछा तो वो बहाने बनाती रही, मेरी परीक्षा चल रही है, सिर में दर्द है इत्यादि। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, आप बगीचा तैयार कर दीजिए, फिर मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगी। उसके पापा मान गए और उन्होंने फूलों के पौधों का बगीचा तैयार किया। कुछ दिनों तक उसने बड़े उत्साह से काम किया और उसके बाद उसका जोश ठंडा पड़ गया। जब उसके माता पिता ने पूछा कि वो बगीचे का ध्यान क्यों नहीं रखती, तो उसने कहा,
उसे वो काम अब बोझ लगने लगा है। देखभाल न होने की वजह से पौधे सूख गए। प्रेमा की इच्छा पूरी होने में किस तरह की रुकावटें आईं? इन रुकावटों को बताने वाले शब्द और वाक्यांश आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, पर इनके शब्दों के अक्षरों के क्रम बदल दिए गए। आपको अक्षर सही क्रम में लगाकर शब्द और वाक्यांश पहचानने हैं। क्या आप तैयार हैं? सप्रया न कनार, ल आस, मक्का को नाटाल, हानेब नबाना, यर्धे न रनाक, सानिया केतरी ढनाढू। क्या आपने सारे शब्द पहचान लिए? आइए उत्तर देखते हैं। कठिन परिश्रम में रुकावटें, प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना, पूरा प्रयास न करना। पापा सारा सामान ले आए थे फिर भी आलस करना, काम को टालते रहना, फालतू बहाने बनाना, आसान तरीके ढूंढना जैसे कि पापा से बगीचा बनवाना, प्रयास करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य न रखना। इन सब बातों की वजह से प्रेमा सफल नहीं हुई। इन रुकावटों से बाहर निकलने के लिए प्रेमा को क्या करना चाहिए? आइए उसकी कहानी आगे सुनते हैं। प्रेमा एक बगीचा बनाना चाहती थी, पर वो असफल हुई क्योंकि उसने पूरा प्रयास नहीं किया। प्रेमा के पापा ने उसे बताया कि वो किन कारणों से सफल नहीं हुई। उन्होंने प्रेमा को सलाह दी कि उसे इन रुकावटों को दूर करना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। क्या आप में से कोई दो छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। क्या हम जानें कि प्रेमा ने अपने पापा की सलाह मानने के बाद क्या किया? प्रेमा ने ठान लिया कि वो रुकावटों को दूर करके एक नया बगीचा बनाएगी। उसने अपनी नोटबुक में लिखा कि उसे कौन से फूलों के पौधे चाहिए और उन पौधों को किस जगह पर लगाना चाहिए। फिर उसने सारे काम एक क्रम में लिख लिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस काम में उसे किस व्यक्ति की मदद की जरूरत हो सकती है। उसने एक कार्य सूची तैयार कर ली। उसने सारे काम अपनी सूची के अनुसार किए और कुछ सप्ताह में उसका फूलों वाला बगीचा तैयार हो गया। जब उसने अपनी नोटबुक में देखा कि कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है, तब उसे पता चला कि पौधों के आगे बाड़ लगाने का काम रह गया है। उसने अपने आस पड़ोस के घरों में लगी बाड़ों को अच्छी तरह देखा। उसने देखा कि कुछ जगह ईंटों से बाड़ बनी थी, कुछ जगह लकड़ियों से और कुछ जगह कांटेदार झाड़ियों से। जब उसे पता चला कि बाड़ कई तरीकों से बनाई जा सकती है, तो उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। बाद में उसने ईंट और चूने से जालीदार बाड़ बनाई ताकि पौधों को हवा और रोशनी मिलती रहे। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। मैं दोहराता हूं, कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए: योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना।
क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? बच्चों की एक पत्रिका में आपने देखा कि कठपुतली कैसे बनाते हैं। आप भी वैसी ही एक कठपुतली बनाना चाहते हैं। क्या आप दोनों स्वेच्छा से यह समझा सकते हैं कि आप इन चरणों को कैसे अपनाएंगे? योजना बनाना, कार्यसूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और गलतियों को सुधारना। बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। पहले आप सारे सामान इकट्ठा करेंगे और कठपुतली को बनाने में जो समय चाहिए उसके अनुसार अपनी कार्यसूची बनाएंगे। इसके बाद आप पत्रिका में दिए गए निर्देशों को देखकर काम शुरू करेंगे। फिर आप निरीक्षण करेंगे कि आप काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। जिन लोगों ने पहले कठपुतली बनाई है, आप उनसे पूछकर भी अपने काम का निरीक्षण कर सकते हैं। उनसे हुई बातचीत के आधार पर आप अपने काम को सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर आपने इन बातों को ध्यान में रखा है तो इसका मतलब है कि आप कठिन परिश्रम करने के चरणों को समझ गए हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें, प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना, आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए। एक, योजना बनाना। दो, कार्य सूची बनाना। तीन, निरीक्षण करना। चार, सीखना और काम को सुधारना। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहां देखकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि कठिन परिश्रम का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी बाधाओं को पार करने का प्रयास करना। कठिन परिश्रम में रुकावटें, प्रयास न करना, आलस, काम को टालना, बहाने बनाना, धैर्य न रखना और आसान तरीके ढूंढना। कठिन परिश्रम करने के लिए हमें ये चरण अपनाने चाहिए। योजना बनाना, कार्य सूची बनाना, निरीक्षण करना, सीखना और काम को सुधारना। क्या हम प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाएं? कठिन परिश्रम की राह में जो रुकावटें आती हैं उनको पार करने के बाद प्रेमा को क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम द्वारा उसे कौन से अच्छे काम करने चाहिए? आइए प्रेमा की कहानी के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं। प्रेमा ने सारी बाधाएं पार कर ली थी और वो बागवानी करने में जुट गई थी। वो रोज सुबह 7 की जगह 6 बजे उठने लगी ताकि वो पौधों में पानी डाल सके। उसने टीवी देखना भी कम कर दिया। उसने बगीचे की देखभाल में ज्यादा समय देना शुरू कर दिया। घर में बगीचा बनाने की इच्छा की वजह से उसकी दिनचर्या में जो बदलाव आए वो उन्हें आसानी से अपना सकी। बदलाव या परिवर्तन को अपनाना कठिन परिश्रम का महत्वपूर्ण पहलू है। कठिन परिश्रम के पहलू, परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। अखबार में खबर आई कि रोज 1 घंटे के लिए बिजली की कटौती होगी।
जब आपके पढ़ने का समय होता है तभी आपके मोहल्ले में बिजली की कटौती होती है, आप क्या करेंगे? एक, मैं बिजली विभाग को खत लिखूंगा या लिखूंगी कि बिजली काटने का समय बदल दिया जाए। दो, जब बिजली आ रही होगी तब मैं पढ़ाई करूंगा या करूंगी, और जब बिजली कट जाएगी तब दूसरे काम करूंगा या करूंगी। तीन, मैं अफसोस मनाऊंगा या मनाऊंगी कि जब मेरे पढ़ने का समय होता है तभी बिजली जाती है। अफसोस मनाने से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, बिजली विभाग भी शायद आपका निवेदन स्वीकार ना कर पाए। आप बिजली कटने से पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और बाकी के समय में दूसरे काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दर्शाएगा कि आप बदलाव को अपनाने की क्षमता रखते हैं। क्या आपने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कभी परिवर्तन को अपनाया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। आइए फिर से प्रेमा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जब प्रेमा स्कूल से लौट रही थी तो उसने देखा कि बकरियां उसके पौधे खा रही थी। कुछ पौधे बढ़ गए थे और बाड़ से बाहर निकल रहे थे। उसने दौड़कर बकरियों को भगा दिया। उसने देखा कि वे पौधे बाड़ के काफी करीब आ गए थे, इसलिए जानवर उन पौधों को आसानी से खा सकते थे। उसने उन पौधों को दूसरी जगह लगा दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। अगर हम किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं तो हमें अपने काम के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे प्रयास व्यर्थ न जाएं। कठिन परिश्रम के पहलू, परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें। आइए एक कहानी सुनते हैं। बारिश का महीना आने से पहले एक चींटी खाना जमा करने लगी। एक टिड्डा खुश होकर इधर उधर फुदक रहा था। उसने चींटी से पूछा कि वो खाना क्यों जमा कर रही है। चींटी ने कहा, बारिश के दिनों में बाहर जाकर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी कठिन परिश्रम कर रही हूं ताकि बाद में चिंता न करनी पड़े। यह सुनकर टिड्डा भी खाना जमा करने लगा। इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमें वर्तमान परिस्थिति को और अपने उद्देश्य को ठीक से समझना चाहिए और इसके अनुसार मौके का पूरा उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें अच्छा फल मिल सकता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। गणित का सवाल हल करते समय सुमन अक्सर गणित के फॉर्मूला भूल जाती है। इस वजह से उसके अंक कट जाते हैं। कम अंक मिलने की वजह से उसके औसत अंक भी कम हो जाते हैं। इसलिए उसने उन सारे सवालों के फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिए जिन्हें वो भूल जाती थी। उसने अपनी शिक्षिका से निवेदन किया कि वो उसकी उत्तर पुस्तिका में विस्तार से टिप्पणी करें ताकि उसे अपनी गलतियां पता चल सकें। इसके अलावा उसने गणित सुधारने के लिए एक कोचिंग क्लास में भी जाना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी खुद की योग्यता का विश्लेषण किया है और ये जानने की कोशिश की है कि उसके पीछे क्या कारण है? इसके आधार पर क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे?
कृपया स्वेच्छा से दो छात्र आगे आ जाएं। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि प्रेमा क्या कर रही है। कुछ पौधे सुरक्षित जगह पर लगाने के बाद प्रेमा ने पड़ोस के घर से एक माली को अपना बगीचा देखने के लिए बुलाया। आइए प्रेमा और माली के बीच हुए वार्तालाप को सुनते हैं। भैया, मेरा बगीचा कैसा है? बहुत अच्छा प्रयास किया है तुमने, पर तुमने सही तरीका नहीं अपनाया है। क्यों? यहाँ पर गलत क्या है? देखो, यहाँ तुमने छोटे पौधे लगाए हैं और इनके आसपास बड़े पौधे लगा दिए हैं। जब ये पौधे और बड़े हो जाएंगे तो इन छोटे पौधों को बढ़ने के लिए पूरी धूप नहीं मिलेगी। ओ, यहाँ पर तुमने बेल को जमीन पर ही छोड़ दिया है, ये जमीन पर फैलकर कुचल जाएगी। तुम्हें इधर एक खंभा लगाकर ऊपर जाली लगा देनी चाहिए ताकि बेल ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगी। और ये पौधे तुमने ऐसे ही किसी भी जगह लगा दिए हैं, तुम्हें इनके बीच में सही दूरी रखनी चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। और कुछ? अरे नहीं, तुम हिम्मत मत हारना। ये सब ठीक करने में तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस वार्तालाप से हमने क्या सीखा? कठिन परिश्रम का एक और पहलू है संपूर्णता से काम करना। कठिन परिश्रम के पहलू, परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें। माली की सलाह मानते हुए प्रेमा ने सारी चीजें ठीक कर दी। कुछ सप्ताह बाद उसने देखा कि सारे पौधे सही थे, पर किसी गमले का एक पौधा सड़ गया था। उसने फिर से माली की सलाह ली। उसने देखा कि उस पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी दिया गया था। उसने प्रेमा को बताया कि उस तरह के पौधों को कम पानी की जरूरत होती है। प्रेमा ने सीखा कि उस पौधे को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। वो दूसरे बीज लेकर आई और उसने वो पौधा फिर से उगाया। इस बार उसने सही मात्रा में पानी डाला और वो पौधा टिक गया। कठिन परिश्रम का एक पहलू है अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना। कठिन परिश्रम के पहलू, परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? मोहन अपनी दादी से मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहा था। उसने मिट्टी को ठीक से मला और फिर बर्तनों को आकार देने लगा, पर उससे बर्तन नहीं बन रहे थे। मिट्टी अब भी थोड़ी सख्त थी। दादी ने देखा कि वो मिट्टी में अच्छी तरह पानी नहीं मिला रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पानी मिलाने को कहा। जब उसने अपनी गलती सुधारी तब वो आसानी से बर्तन बना पाया। दादी ने उसके बर्तनों की बहुत तारीफ की। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कठिन परिश्रम के पहलू, परिस्थितियों में आने वाले बदलाव को अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में
समय से आगे की सोचें, संपूर्णता से काम करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। धन्यवाद, आपने अच्छी तरह सार संक्षेप किया। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है बबलू की नाव। इस कहानी में मैं कागज़ को लेकर के अलग अलग तरह की आकृतियां मोड़ेंगे और साथ में कहानी भी सुनाते जाएंगे। तो कागज़ से अलग अलग तरह की भिन्न भिन्न आकार की आकृतियां बनेंगी और इस तरह कहानी का सिलसिला बढ़ता जाएगा। अब कहानी ऐसे शुरू होती है कि बबलू की गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होने वाली थीं और वो गाँव में अपने नाना नानी के घर गया। नाना नानी के घर के पास में एक बहुत बड़ा तालाब था और बबलू को तालाब देखकर लगा कि काश मेरे पास एक नाव होती जिसको मैं तालाब में चला पाता। वो नानी के पास आया और उसने नानी से कहा, नानी नानी मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं एक नाव खरीद सकूं। नानी ने उसको पैसे दे दिए और वो बाज़ार निकला। कांच के एक शोरूम में उसको एक मसालदान जैसी एक चांदी की एक डब्बा जिसमें चार खाने थे दिखाई दिया। तो उसने वो डब्बा चांदी का ख़रीद लिया उस दुकानदार से। आगे काफ़ी चला तो उसको एक दुकान में एक जंपर या जैकेट दिखाई दिया। तो उसको लगा ये नानी के लिए अगर मैं इस जैकेट को ख़रीद लूँ तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ वो थोड़ी देर आगे गया तो उसको एक और बने बनाए कपड़ों की दुकान दिखाई दी और उसमें उस दुकान में एक पैंट टंगी थी। तो उसने कहा कि अगर नानी के लिए मैंने जंपर ख़रीदा है तो मैं नाना के लिए ये एक पैंट ख़रीद लेता हूँ। तो वो इस पैंट को भी ख़रीद लेता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसको एक दुकान दिखाई देती है जिस पे बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा है कि बिक्री के लिए नावें, बोट्स फॉर सेल। और उसके शोरूम में जब अंदर बबलू जाता है ये दो चिमनियों वाली नाव दिखाई देती है, एक बड़ा सा जहाज़। तो वो सोचता है कि मैं इस बड़े जहाज़ का क्या करूँगा। बाद में एक फर्नीचर की दुकान के पास पहुँचता है तो बबलू की निगाह एक मेज़ के ऊपर पड़ती है। वो सोचता है कि अगर मैं इस मेज़ को ख़रीद पाऊँ नाना के लिए तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और काफ़ी दूर जाता है तब फिर उसको एक और दुकान दिखाई देती है और जिसमें भी लिखा होता है कि बोट हाउस। ये नावें कैसी हैं, ये एक डबल बोट है। तो डबल बोट उसके कुछ काम की नहीं होती तो बगैर ख़रीदे हुए वो फिर बाहर निकलता है और कंधे पे मेज़ को लादे हुए और चलते चलते वो एक खेत के पास पहुंचता है और जहां पर एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसकी मुर्गी उसके पास में है। तो बबलू के दिमाग में एक विचार आता है, काश मेरे पास अगर ये मुर्गी मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो फिर बबलू जो है किसान से ये कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि इस मेज़ को ले लो और इस मेज़ के बदले में मुझे एक अपनी मुर्गी दे दो। तो किसान एक भला नेक आदमी होता है और वो उसकी बात को मान जाता है। तभी एक ज़ोर की आंधी आती है और बबलू के सिर पे जो टोपी होती है वो उस आंधी की में उड़ जाती है और जब बबलू अपनी टोपी को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ से मुर्गी भी भाग जाती है और बेचारा बहुत परेशानी की हालत में थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको तब एक पेड़ की छांव में उसको एक बटुआ जैसा एक दिखाई देता है। और फिर दोबारा बाज़ार जाता है और अपने लिए एक टोपी ख़रीदता है। तो उसको कुछ देर के बाद में एक और दुकान दिखाई देती है और जब वो उस दुकान के अंदर जाता है तो उसमें बिल्कुल एक नायाब एक अनूठी किस्म की एक नाव होती है। उस नाव को ख़रीद लेता है और इस नाव को कहते हैं एक राजा रानी की नाव। तो अब तक शाम हो चुकी होती है, बबलू दिन भर का सफ़र करके बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा आनाकानी नहीं करूँगा और राजा रानी की नाव को लेकर के घर वापस जाता है बिल्कुल खुश खुश। तो ये भी आपने कहानी सुनी और अब इस कहानी को इसमें जो अलग अलग चरण हैं, कागज़ से अलग अलग चीज़ें कैसे बनती हैं, इनको हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक 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 कागज़ लेते हैं, ये आयताकार कागज़ है, और इसका इसको मोड़ करके हम सबसे पहले तो एक चौकोन बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, उसके लिए एक त्रिकोण मोड़ते हैं, और उसके बाद में ये जो पट्टी है यहाँ की, इस पट्टी को, आयताकार पट्टी को मोड़ करके हम काट के निकाल देंगे। तो इस पट्टी को हमने मोड़ा और इसको अगर फाड़ दिया तो ये आयत का एक चौकोन यानी वर्ग बन जाएगा। ये इसका शुरुआत का बिंदु है। अगर इसी तरह से दूसरी भी कर्ण हम मोड़ेंगे तो इसका केंद्र यानी सेंटर यानी मध्य बिंदु हमको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चारों कोने जो वर्ग के हैं, इन चारों कोनों को मोड़ करके सेंटर तक, केंद्र तक लेकर के आएंगे, जिससे एक लिफाफा जैसा बन जाएगा। और ये भी एक एक छोटा सा एक वर्ग बन जाएगा, एक लिफाफा जैसा बन गया। और हम देख रहे हैं कि चारों कोने जो हैं वो सेंटर में आकर के, केंद्र में आकर के मिल गए। इसको हम पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ जो है, दूसरी ओर एकदम एक समतल आकार है, ये इसका मध्य बिंदु है, इसके भी चारों कोनों को हम सेंटर तक लाते हैं। तो ये बन गया लिफाफा नंबर दो, जो एक छोटा सा लिफाफा है। इसको एक बार फिर पलटते हैं और इस तीसरी बार भी चारों कोनों को हम केंद्र तक लाते हैं। इस तरह से तीन बार वर्ग के कोनों को केंद्र तक लाने के बाद में एक बिल्कुल छोटा सा एक इस तरह का एक वर्ग बन जाता है। अब इसको हम एक चरण पीछे जाएंगे और देखेंगे अब इससे किस तरह से, या इसमें चार जेबें हमको दिखाई दे रही, एक दो तीन और चार जेबें। इन चारों जेबों को अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे, ये हमारी एक नमकदानी जैसी बन जाती। बहुत से बच्चे इस आकार को जानते हैं क्योंकि बच्चे इससे दिन रात का खेल खेलते हैं, दिन रात दिन रात। तो ये तो पहली नमकदानी बन जाती है। तो सबसे पहले ये बबलू खरीदता है, उसके बाद आगे जाता है तो इसका फिर मन मचल जाता है और तीसरे लिफाफे में दो विपरीत के, तो ये तो एक एक जंपर का, एक जैसे जैकेट का एक मुंह जैसा बन जाता है यहाँ पर। ये देखिए, एक मुंह जैसा बन जाएगा जिससे सिर डालेंगे और ये नीचे का हिस्सा, और इसको खोल देते हैं तो ये एक आस्तीन बन जाती है और ये उसकी दूसरी आस्तीन बन जाती है। तो हम देखेंगे कि ये इस तरह से एक जंपर बन जाता है। अब जब बबलू इसको ख़रीद लेता है, थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक रेडीमेड वस्त्रों की दुकान, रेडीमेड गारमेंट की दुकान दिखाई देती है। उसको लगता है, अगर मैं नानी के लिए एक जंपर ख़रीदा है तो नाना के लिए मुझे कुछ ख़रीदना चाहिए। तो उसको वहाँ पर, इसको अगर मोड़ते हैं तो उसको वहाँ पर एक क्या दिखाई देती है, एक पैंट दिखाई देती है। और इस पैंट को ही अगर इसके दोनों जो पाँचे हैं इनको ऊपर करेंगे बाएं वाले को और दाएं वाले को भी, तो ये दो चिमनी वाला एक स्टीमर जैसा बन जाएगा। बबलू उसको नहीं खरीदता है और आगे जाता है, और आगे जा करके उसको एक फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है, और जिसमें तरह तरह की कुर्सियां, मेज़ें, अलमारियां लकड़ी की बनी है, रखी हैं। और वहाँ पर बबलू को एक एक बहुत सुंदर सी मेज़ दिखाई देती है। अब ये मेज़ बिल्कुल ही आसान है बनाना। इस मेज़ को देखिए आप, ये तो मेज़ के चारों पैर हो गए, और अगर इसको उल्टा करेंगे तो मेज़ जैसे ये टिक जाएगी। तो वो मेज़ ख़रीद लेता है और थोड़ा आगे जाता है तो उसको फिर एक दुकान दिखाई देती है जहाँ पर नावों की बिक्री की सेल लगी है, और वहाँ पर उसको क्या दिखाई देता है, एक, तो उसको एक एक डबल बोट दिखाई देती है, यानी एक नहीं जिसमें दो नाव हैं। मुझे तो एक ही नाव चाहिए थी, और इसलिए वो नाव नहीं ख़रीदता, अपनी मेज़ को कंधे पर रख करके और आगे जाता है। तो फिर उसको एक किसान दिखाई देता है जो अपने खेत में काम कर रहा है, और किसान की एक मुर्गी है। अब मुर्गी बनाने के लिए इसको हम, इसमें देखिए हमको दोनों तरफ दो दो हिस्से हैं,
तो हम इसको ऐसा मोड़ देते हैं कि एक तरफ तीन हिस्से आ जाए, और इस हिस्से को अभी देखिए, यहाँ पर एक तरफ तीन हिस्से हो गए और एक तरफ एक है। अब बीच वाले हिस्से को हम ऊपर उठा देते हैं, तो दरअसल ये एक पाल जैसी नाव बन जाती है। और ये जो हिस्सा है इसको अगर उल्टा मोड़ दें तो ये मुर्गी का एक मुंह जैसा बन जाता है। अब आप देखेंगे कि ये हमारी मुर्गी बन जाती है, जिसको बबलू किसान से ये कहता है कि भाई तुम ऐसा करो कि इस मेज़ को ले लो और इस मेज़ के बदले में मुझे अपनी मुर्गी दे दो। किसान को मेज़ मिल जाती है, वो बहुत खुश है, और बबलू को मुर्गी मिल जाती है। अब उसी समय क्या होता है, एक बहुत तेज़ आंधी आती है और बबलू की टोप जो है इस आंधी में उड़ जाती है, और बबलू जैसे ही अपने हाथ से उस अपनी टोप को पकड़ने के लिए बढ़ता है तो उसके हाथ से मुर्गी छूट के भाग जाती है। अब बबलू एकदम निराश हो जाता है, सारे उसके पैसे खर्च हो गए, उसकी टोप हवा में उड़ गई है और जो मुर्गी उसके पास थी वो भी भाग गई है। तो बहुत ही निराश हालत में बबलू है, और इस हालत में वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसको तब एक पेड़ की छांव में उसको एक बटुआ जैसा एक दिखाई देता है। डबल बोट के बाद में इससे पर्स किस तरह से बनाएंगे, इसके डबल बोट के दोनों पाल खोलेंगे। ये पाल हमने खोला और इसके तीनों हिस्से पाल के हम पीछे की ओर मोड़ देंगे, और इसको इस तरह से आधा बटुआ बनेगा। और दूसरे बटुए के हिस्से को बनाने के लिए डबल बोट की दूसरी पाल को खोला, इसको भी उल्टा करा और इसके भी तीनों कोनों को मोड़ा और इसको नीचे दबा दिया, तो हमको ये दो जेबों वाला एक पर्स मिल जाएगा या बटुआ बन जाएगा। और फिर आगे जाता है वो, एक दुकान पे जा करके क्या खरीदता है, एक नई टोपी खरीदता है। और फिर आगे जाता है तो उसको एक दुकान दिखाई देती है, और जिसमें बिल्कुल अजीबोगरीब गरीब तरह की एक नाव बिक रही होती है। वो उसके शोरूम में घुसता है तो उसको एक अनूठी नाव दिखाई देती है, और ये नाव कैसी है कि जिसमें दो लोग बैठ सकते हैं, और उस नाव को बबलू खरीदता है। और ये देखते हैं इसकी नाव कैसी है, इसमें एक के लिए एक सीट, और ये इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो ये, और इनके पीछे की जो टेक है, पीठ के लिए टेक है, अब ये बन जाती है। अब ये इस तरह से एक दो लोग के बैठने के लिए, इसको कहते हैं राजा रानी की नाव, वो बन जाती है। और अब तक शाम हो चुकी होती है, बबलू काफ़ी दिन भर चलते चलते थक गया है, तो वो कहता है कि अब मैं ज़्यादा मीन मेक नहीं करूँगा, आनाकानी नहीं करूँगा, और वो उस राजा रानी की नाव को ख़रीद करके और अपने घर ले जाता है और बहुत खुश होता है।
बच्चों, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा होगा। कल रविवार है, आप मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना इस हफ्ते, और पढ़ाए गए सभी पाठों को दोहराना न भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं NCERT, टाटा ट्रस्ट, अपराजिता फाउंडेशन तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।